जी जानकारी दे दें कि अन्य बैंकों के जो खाता धारक हैं, खास करके विधवा पेंशन जिनको मिलता है, खास करके वृद्धा पेंशन और जो भी मतलब अनपढ़ और अशिक्षित हैं, जो अपने गांव के अगल बगल जाकर के सीएसपी संचालक के माध्यम से पैसे निकालते हैं, वैसे लोगों को सावधान हो जाने की ज़रूरत है। जी हाँ, बता दें, इसलिए सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि अगर आपका बैंक एसबीआई खाते में है तो आप एसबीआई के सीएसपी में ही पैसा निकालें। अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप यूनियन बैंक के ही सीएसपी से निकालें। दूसरे से निकालने के बाद में आपका पैसा सर्वर में फंस सकता है और आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए आज के बाद ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी घटना घट चुकी है। जी हम बात कर रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के छाताबाद के रुबिया देवी की, जो विगत 2-4 दिन पूर्व की बात है। इनके पैसे खाते में फंस जाने के कारण सीएसपी संचालक से तू-तू मैं और बहसबाजी भी हुई। आखिरकार सीएसपी संचालक छोटन पंडित ने पैसा दे दिया। दे देने के बाद में दबाव के कारण पैसे दे दिए, लेकिन बाद में जब पता चला कि सर्वर के कारण और बैंक के गड़बड़ी के कारण, दूसरे बैंक के दूसरे सीएसपी से पैसे निकासी के कारण यह पैसा फंसा हुआ था, जबकि उसके खाते में, जबकि उसके लिस्ट में बताया जा रहा था कि पैसा निकल चुका है, जिसके कारण रुबिया देवी काफ़ी परेशान थी। यह लेकर के मामला बीएनबी टीम के पास पहुंची। जब बीएनबी टीम ने जांच पड़ताल किया और जांच पड़ताल करने के बाद में पता चला कि यह सीएसपी संचालक की कहीं लापरवाही तो नहीं है, तो हालांकि उस टाइम आकर के सीएसपी संचालक ने पैसे दे दिए। सीएसपी संचालक बता रहा था कि पैसा सर्वर में फंस भी चुका है। हालांकि मामला खुल करके अब आया है सामने कि यह दूसरे के बैंक और दूसरे के सीएसपी से पैसा निकालने के कारण अक्सर यह पैसा फंस जाता है और कई कई गरीब बंधुआ मजदूरों के पैसा फंस जाते हैं और बाद में उसको पैसा जाता है, नहीं भी जाता है, और लेन देन में हेराफेरी भी होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि आज के बाद जब भी पैसा निकासी करें, जो बेसहारा है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जिनके पास पैसे आते हैं, वो उसी सीएसपी से निकालें जिस बैंक में उसका खाता है। तो जी हम बात कर रहे हैं जो छोटन पंडित महुआर के जो सीएसपी संचालक थे, उनके खाते से पैसा उनका सर्वर के कारण फंस गया था, जिसके कारण पैसा नहीं दे रहा था। हालांकि अब पैसा उस वक्त उन्होंने सीएसपी संचालक छोटन पंडित ने महिला रुबिया देवी को दे दिया था और आज महिला रुबिया देवी के खाते में पैसा आ चुका है और वह पैसा वापस पुनः सीएसपी संचालक को लौटाया जा रहा है। यूं कहें कि सीएसपी संचालक छोटन पंडित का दोष नहीं पाया गया है, जबकि बीएनबी यह क्लियर करती है कि सीएसपी संचालक का दोष नहीं है और पैसा पुनः इसको वापस कर दिया जा रहा है। जी आप पैसा इनको वापस कर दीजिए छोटन पंडित। बने रहे बीएनबी के साथ, बीएनबी जो सच है बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।